व्रत सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या को किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। भक्तजनों, वट सावित्री का यह व्रत महिलाओं को सौभाग्यवती एवं संतान प्राप्ति देने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती सावित्री इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा लाई थी, तभी से यह व्रत किया जाता है। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है और सावित्री को सर्वोत्तम सती कहा गया है, इसीलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। सनातन धर्म में वट वृक्ष का महत्व है बड़ा खास। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का होता इसमें निवास। दीर्घायु का भी प्रतीक इस वृक्ष को माना जाए। वट वृक्ष की पूजा करती है तब ही महिलाएं। सावित्री जब छुड़ा के लाई अपने पति के प्राण, वट वृक्ष के नीचे लेटे थे उसके पति सत्यवान। वट सावित्री व्रत की भक्तों पावन बड़ी कथा है। सुनने मात्र से ही जिस कथा को पुण्य बड़ा मिलता है। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत की ये कथा एक बार ऋषि मार्कंडे ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके आप हमें बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या कोई द्रौपदी की तरह और भी पतिव्रता स्त्री हुई है, जो राजकुल में पैदा होने के पश्चात भी पति धर्म निभाने के लिए वन वन भटक रही हो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडे ने कहा, हे युधिष्ठिर, इससे पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मुनि मार्कंडे को सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया, तो ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। सती सावित्री की ही युधिष्ठिर, अब तुम सुनो कथा। अश्वपति नामक एक राजा प्राचीन काल में था। अनेकों तक उसको नहीं हुई संतान। पत्नी सहित किया है उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान। मंत्र
संतान प्राप्ति का वर राजा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म जनों, ऋषि मार्कंडे ने युधिष्ठिर को कथा सुनाना प्रारंभ किया कि एक नगर में अश्वपति नामक एक राजा थे और 18 वर्षों तक निरंतर यज्ञ करने के पश्चात ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर कन्या होने का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा अश्वपति की कन्या सावित्री अत्यंत ही गुणवती एवं सुशील थी। समय के साथ साथ वह सयानी होने लगी तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने अनेकों जगह सावित्री के लिए वर की तलाश की, किंतु उन्हें सावित्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडे ने बताया कि अपने पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ अपने वर की खोज के लिए निकल पड़ी। उसने अल्प समय में ही अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन एवं तीर्थ स्थानों पर स्नान किया। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद पाकर जब सावित्री लौट रही थी तो उसने एक अत्यंत ही गुणवान एवं रूपवान लक्कड़हारे को देखा और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने जब उस लक्कड़हारे से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो साल्व देश का राजकुमार था, किंतु उसके माता पिता का राजपाट छिन गया और वो नेत्रहीन भी हो गए। अतः उसे वन में रहकर लक्कड़हारे के रूप में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। व्रत से हो जाते हैं, हम कथा
भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया कि जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान के बारे में बताया तो मुनि नारद भी वहां आ गए और उन्होंने सारा वृतांत सुना और राजा अशुपति से कहने लगे, हे राजन, आपकी कन्या ने उचित वर की तलाश नहीं की क्योंकि सत्यवान तो अल्पायु है। आज से ठीक एक वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। इतना सुनकर राजा अशुपति बड़े चिंतित हुए और अपनी पुत्री सावित्री से कहने लगे, हे पुत्री, मुनि नारद की वाणी कदापि सत्य नहीं होती, अतः तुम अपने लिए किसी और वर की तलाश करो। किंतु सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, मैं सनातन नारी हूँ, एक बार सत्यवान को मैं अपना पति मान चुकी हूँ तो दूसरा कोई भी मेरे विचारों में भी नहीं आ सकता। मार्कंडेय ने कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को बताया कि सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, जिस प्रकार राजा एक ही बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक ही बार वचन कहता है और कमान से निकला तीर कभी लौट कर नहीं आता, इसी प्रकार मेरा निर्णय भी अटल है। सत्यवान के अलावा किसी और के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है, अतः आपसे विनती है कि आप सत्यवान से ही मेरा विवाह करें। मुनि नारद भी सावित्री के पति व्रत को देखकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्री, जैसी आपकी इच्छा। फिर मुनि नारद राजा अशुपति से कहने लगे, हे राजन, यदि आपकी पुत्री की इच्छा है तो ये मंगल कार्य अति शीघ्र ही संपन्न करें। इतना कहकर मुनि नारद भी स्वर्ग को लौट गए। भक्तजनों,
ऋषि मार्कंडे ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, सावित्री अपने पिता के महलों को छोड़कर सत्यवान और उसके माता पिता की कुटिया में वन में सुख पूर्वक रहने लगी। उसने अपने नेत्रहीन सास ससुर की खूब सेवा की और अपने पत्नी धर्म को कुशलता पूर्वक निभाया। सावित्री को मुनि नारद के वचन याद थे, जिन्होंने कहा था कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे द्वादशी का दिन आ गया। सावित्री ने द्वादशी के दिन से ही तीनों दिन के लिए निर्जल व्रत रखा और मुनि नारद के वचन अनुसार जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था, उस दिन सत्यवान हर रोज की तरह वन से लकड़ियां लाने के लिए तैयार हो गया। ऋषि मार्कंडे ने बताया, हे युधिष्ठिर, अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली गई। सत्यवान जब लकड़ियां काटने लगता है तो अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। सावित्री नीचे बैठी थी, वो समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, तो उसने सत्यवान को नीचे आने के लिए कहा और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। इतने में देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं। सावित्री अपने सतीत्व के कारण सब कुछ देख पा रही थी। उन्होंने देखा कि यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए हैं और उन्हें लेकर चल पड़े। ऋषि मार्कंडे ने कहा, है युधिष्ठिर, जैसे ही यमराज ने देखा कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो यमराज ने कहा, है सावित्री, सत्यवान का तो जीवन समाप्त हो गया,
अतः मुझे इसके प्राण ले जाने पड़ेंगे। किंतु तुम क्यों स्वयं साथ चली आ रही हो? सावित्री कहने लगी, हे महाराज, पतिव्रता नारी का वास तो उसके पति के साथ ही होता है। मुझे आपके पीछे आने से कोई परेशानी नहीं हो रही, अतः मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी। यमराज कहने लगे, हे सावित्री, ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, अतः तुम चाहो तो कोई और वरदान मुझसे मांग लो, किंतु वापस लौट जाओ। सिवा कोई मन में इच्छा हो तो मुझे बताइए, मन चाहा मैं दे सकता हूँ, मांगो तुम वरदान। सत्यवान का स्वर्ग लोक में अब होगा स्थान। सावित्री बोली, यमराज से यदि वरदान है देना, नेत्रहीन मेरे सास ससुर है, दिव्य ज्योति उन्हें देना। चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं, भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। जनों, ऋषि मार्कंडे ने कहा कि हे युधिष्ठिर, सावित्री को यमराज ने एक वरदान दे दिया कि उसके साथ ससुर के नेत्रों की ज्योति लौट आएगी। वरदान देकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर फिर चले तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुमने जो वरदान मांगा मैंने दे दिया, पर अब तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे अपने पति के साथ ही जाना है। यमराज कहने लगे, सावित्री, यदि तुमको कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो, किंतु तुम्हें वापस लौटना ही होगा। तब सावित्री ने यमराज से कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य भी वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने कहा, पावन कथा सुनाते हैं, भाग्योदय स्त्रियों के जिस व्रत से हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। जनों, ऋषि मार्कंडे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर यमराज स्वयं ही अपने वचनों में घिर गए। और जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, सावित्री कहने लगी, हे महाराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैंने अपने पति सत्यवान के अलावा किसी और का मुख देखना भी पाप समझा है, तो बिना पति के मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है?
ऋषि मार्कंडे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सावित्री के वचनों में घिरकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने ही पड़े। और राजन, द्रौपदी से पहले भी सती धर्म का पालन सावित्री ने किया था, जो यमराज के पीछे पीछे जाकर अपने पति के प्राण छुड़ा कर ले आई। और यही है वट सावित्री व्रत की कथा। ऋषि मार्कंडे ने ये कथा युधिष्ठिर को है सुनाई। पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति है बतलाई। वट सावित्री व्रत जो भक्तों करती है महिलाएं, यही पावन कथा है जिसको वो है सुने सुनाए। वट सावित्री व्रत से महिला हो सौभाग्यवती, सुखी संतान की भी तो होती है प्राप्ति। वट सावित्री व्रत कथा का चेतन ने किया वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रिलहन। फौज सुरेश बिसे मर शारदा लिखते जाते हैं पावन।